मंगल नाम राम राम मंगल नाम राम मंगल नाम राम 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 राम मंगल नाम मंगल नाम मंगल नाम मंगल नाम मंगल नाम राम 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 दिवस है। 48 वर्ष हो गए हैं इस राम शरण को बने हुए। आप सबको असंख्य बार बधाई देता हूं। आज बैसाखी का शुभ पर्व भी है। पंजाब हरियाणा संभवतः कुछ अन्य स्थानों पर ये पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तैयारियां बहुत पहले शुरू हो जाती हैं। आज भी खूब मनाया जा रहा होगा। लख लख बार आपको बधाई आज इसके मांगलिक दिवस पर। कल साल शुरू आप ही से उस महिला की चर्चा की थी जो संसार की दृष्टि से धन के अभाव होने के कारण गरीब समझी जाती थी, लेकिन आपने तो उन्हें उनके गुणों के कारण बहुत अमीर घोषित कर दिया। असली अमीर आपने घोषित कर दिया उस महिला को। मानो आप ये स्पष्ट कर रहे हो अमीरी गरीबी का प्रश्न पैसों के होने या पैसों के अभाव से नहीं होना चाहिए। सद्गुणों से कौन अमीर है और सद्गुणों के अभाव से जो है वह गरीब है। सद्गुण अर्जित करने चाहिए और फिर सद्गुरु से प्रेरित सत्कर्म होते हैं। तो सद्गुणों की पूंजी इकट्ठी होती है, सत्कर्मों की पूंजी इकट्ठी होती है। व्यक्ति
सेवा करने लग जाता है, निष्काम भाव से सेवा करने लग जाता है, तो वह भीतर की संपदा से मालामाल हो जाता है। सब में परमेश्वर को देखने की योग्यता, सब में परमात्मा का नूर विराजमान है, इसे अवलोकन करने की योग्यता धीरे धीरे परमात्मा उसे देनी शुरू कर देता है। उसके लिए सर्वत्र जगत राममय हो जाता है। अपना अपना मेरा मैं, ये तो सब संसारी शब्द है। अपने पुत्र का पालन पोषण तो हर कोई करता है, अपने पुत्र के पुत्र का भी, पुत्री के पुत्र का भी, ये तो सब संसारी बातें हैं, मत समझिए। इनके प्रति अपना कर्तव्य निभा के तो आप सेवा कर रहे हैं, ये सत्य नहीं है। शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता। हाँ, आपने इनसे अपनत्व निकाल दिया है, आप इन्हें परमात्मा के समझ के तो इनकी कर्तव्य पालन कर रहे हो, तो सेवा मानी जा सकती है। अपनी पुत्री को बहुत दहेज दिया जाता है, शास्त्र कन्यादान तक तो कन्यादान स्वीकार करता है। उसके बाद यदि आप ये समझे कि उन्हें जिंदगी भर दे के तो आप दान कर रहे हो, तो शास्त्र सहमत नहीं है। ये दान नहीं है। लोग प्रायः जिंदगी भर पुत्रियों को, जमाइयों को देते रहते हैं। कहीं आप इस भ्रांति में हो कि ये हमारा दान समझा जाएगा, तो ये भ्रांति है, ये सच्चाई नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं एक ही पुत्री रह गई है या एक पुत्र रह गया है, ये सेटल हो जाए तो हम भी सेटल हो जाएं। क्या साधक चुनों आप लोगों का अनुभव ऐसा कहता है कि कभी आप सेटल महसूस करते हो? सेटल करते करते जिंदगी भर लोगों को, औरों को सेटल करते करते स्वयं आदमी अनसेटल हो जाता है, अनसेटल्ड रहता है। ऐसे परिवार हैं यहाँ पर, 15 साल में शायद ही कहीं घर से बाहर खाना खाने के लिए गए हों, कम से कम मेरे से तो बात नहीं करी कि हम कल खाना बाहर खा के आए थे। लेकिन पुत्री का विवाह होता है, जमाई आना शुरू कर देता है, यदि आसपास ही हो तो हर 15 दिन के बाद आज खाना बाहर, क्या किसी की जिम्मेदारियां खत्म होती हैं? ऐसे हुआ कि बहुत बड़ा दिन है आज, कुछ भ्रांतियां हमारे मन में हो तो आज निकलनी चाहिए। ये भ्रम है, बढ़ना तो सच्चाई की ओर है, सत्य की ओर बढ़िएगा, इन भ्रांतियों को छोड़िएगा। देना बुरी बात नहीं है, आप मकान दीजिएगा, एक कोठी दीजिएगा, अनेक कोठियां दीजिएगा पुत्री को, देना बुरी बात नहीं। लेकिन दान तो किसी जरूरतमंद को देने को कहा जाता है शास्त्र। इस देने को मेरी माताओं सज्जनों बड़ा गंदा शब्द प्रयोग करता है, तो मोह है, ये तो मोहग्रस्त होके तो दे रहे हैं। काले धन से दिया हुआ दान भी, काला धन काली बुद्धि, बड़ा आपस में संबंध है, देख लेना परख लेना कभी।
काला धन जैसे ही आना शुरू होता है तो अपनी बुद्धि को कालख लगनी शुरू हो जाती है, काली हो जाती है। कर्म भी फिर बुद्धि के अनुसार, निर्णय भी फिर उसी काली बुद्धि के अनुसार, मान अच्छे तो नहीं, कालख जो लग गई, धुंधली जो हो गई बुद्धि, तो फिर उसके निर्णय सही नहीं होते। निर्णय सही हो तो फिर आदमी सोचता है बहुत दे लिया, अब किसी जरूरतमंद को दे के तो उनकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन ये बुद्धि, काली बुद्धि सोचने नहीं देती, नहीं, पुत्री है, इसका हक बनता है, इत्यादि इत्यादि अनेक सारी बातें आदमी सोच के तो इसी भ्रम में जिंदगी व्यतीत कर लेता है। आज के इस मांगलिक दिवस पर साधु अति शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, खूब भजन पाठ कीजिएगा। उद्घाटन दिवस भी है, वैसाखी भी है, सो दोनों पुण्य पर्व पर पुनः लख लख बार बधाई आप सबको, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।